हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, आरआरबी ने 11,558 अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किए थे, जिन पर यहां पर फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस चल रहा है। अब यहां पर आरआरबी ने डेट एक्सटेंड कर दी है। क्या अब नई डेट्स आई है जिस तक आप सभी कैंडिडेट्स अपने फॉर्म फिल कर सकते हो? और क्या जिन कैंडिडेट्स ने पहले से फॉर्म फिल कर रखे हैं उनको दोबारा से अपने फॉर्म फिल करने होंगे? क्या आप फॉर्म भरने के लिए नया प्रोसेस जारी किया है? अब नई तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे? किन किन गलतियों को आपको इस बार फॉर्म फिल करते समय नहीं करना है? और क्या डेट एक्सटेंड होने के बाद हुई है उस डेट की पूरी जानकारी, और इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में यहां पर अंडर ग्रेजुएट लेवल, जी हां दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क के 3,445 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती रिलीज हुई थी। यहां पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 21 सितंबर 2024 थी और आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 रखी गई थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती के लिए। अब इस डेट को बढ़ाकर यहां पर 27 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट को भी 22 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 29 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है और फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट को 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 कर दिया गया है। यहां पर 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही यहां पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भर्ती की डेट्स भी चेंज हुई है। यहां पर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती में पोस्ट थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहां पर टोटल 8,113 वैकेंसीज थी। यहां पर भी डेट चेंज हुई है। तो इस तरह से यहां पर भी आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 14 सितंबर 2024 थी और लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 थी, जिसको बढ़ाकर अब 20 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट को 15 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 को बढ़ाकर 23 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। अब आप यहां पर इन डेट्स के तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑल इंडिया से। डेट चेंज के नोटिस आप हमारी वेबसाइट के इसी पेज से चेकआउट कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के इस सेक्शन में यहां पर आपको लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस, जी हां दोस्तों, लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल पीडीएफ से डेट जो चेंज हुई है, एक्सटेंड हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के इस सेक्शन में यहां पर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर लास्ट डेट एक्सटेंडिंग नोटिस पीडीएफ, इन लिंक्स पर क्लिक करके अपनी डेट चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल पीडीएफ ओपन होगी। ये अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट के लिए डेट एक्सटेंडेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे का। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पर क्लोजिंग डेट 27 अक्टूबर 2024 कर दी गई है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 28 10 2024 से 29 10 2024 कर दी गई है और फॉर्म में करेक्शन की डेट 30 10 2024 से 6 11 2024 कर दी गई है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ऐसे ही आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए भी डेट्स जो एक्सटेंड हुई है वो चेकआउट कर सकते हो। यहां पर रेलवे की ऑफिशियल साइट पर अब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 10 2024 कर दी गई है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 21 10 2024 से
22/10/2024 कर दी गई है। फॉर्म में करेक्शन आप 23/10/2024 से 30/10/2024 तक कर सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं रेलवे के डेट एक्सटेंडेड की। तो दोस्तों अब आप इन डेट्स तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इन पोस्ट के नीचे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेने हैं और उनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद यहीं पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक दिए गए हैं, आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आरआरबी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहां पर आने के बाद आपको ऊपर ही सबसे ऊपर इस वेबसाइट के टॉप पर अप्लाई का ये टैब दिया गया है। जैसे ही आप इस पर कर्सर लाएंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर यहां पर आप इस पोर्टल के थ्रू भारतीय रेलवे की किसी भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहां पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करके पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से लॉगिन करके आप ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका यहां पर इस पोर्टल पर अकाउंट नहीं है तो यहां पर आपको इसी टैब पर ही क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपना कंप्लीट नेम एंटर करना है, फिर वही नेम यहां पर आपको रिटाइप करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहां पर आप अपना जो आपने नेम चेंज किया है वो नेम यहां पर एंटर करके उसे एक बार फिर से रिटाइप कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, वही डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपको टाइप करनी होगी DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको वही अपना जेंडर एक बार फिर से यहां पर रीसेलेक्ट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप करना है। ऐसे ही यहां पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और फिर वेरीफाइंग यूजिंग आधार ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहां पर आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद यहां पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहां पर आपको अपनी आधार के अलावा कोई और प्रूफ आईडी यहां पर सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर आप एंटर करें, इश्यू अथॉरिटी आप यहां पर एंटर करें, किसने आपको इशू किया है, फिर आपको पैलेस ऑफ इशू पैलेस यहां पर एंटर कर देना है, कब आपको इशू हुआ है या आपका आईडी प्रूफ, वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहां पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट किया जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट करना है, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहां पर गाइज आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहां पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहां पर इस सेकंड कॉलम में एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है। अपनी इन रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स को आपको केयरफुली चेकआउट करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अपने अकाउंट का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब यहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको आरआरबी की जितनी भी भर्ती चल रही है उन सब का यहाँ पर आपको डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर आपको उनके डैशबोर्ड प्रोवाइड करा दी जाएंगे। यहाँ पर गाइड हम आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और आरआरबी एनटीपीसी टेक्निकल ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट सेक्शन की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आरआरबी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप वो आरआरबी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी स्लैश आरआरसी यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर हम आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका आरआरबी का जोन सिलेक्ट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेटा फैच होकर आपके सामने शो कर दिया जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो डेटा यहाँ पर आपको फैच करके कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी फिल कर दी गई है। आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको एग्जाम की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहां पर आपको एंटर कर देना है। दो पैलेस का नाम यहां पर आपको एंटर करना है, अगर नहीं है तो यहां पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी यानी कि जाति सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है किस अथॉरिटी ने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कब इशू किया है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहां पर ट्रैवलिंग पास चाहते हैं एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए तो ऑप्शन सेलेक्ट करें यस या नो। उसके बाद यहां पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो यहां पर एंटर कर देना है उसका नाम। उसके बाद यहां पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है, उसमें यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरीज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विस मैन है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें यस, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें यस। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको अपनी PWBD की डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ज़रूरत है स्क्राइब इफ़ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड, यानी कि अगर आप पेपर लिखने में अफेक्टेड हैं, आप नहीं लिख सकते हो, आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यस करना है और उसकी डिटेल देनी है क्या फिजिकली डिसेबिलिटी आपके पास है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना पेपर यहाँ पर स्वयं ही देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है आपकी EBC डिटेल यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में किसी डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, अगर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हैं या पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी में, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी
बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी होगी, यहाँ पर फीस रिफंड कराई जाएगी जिन कैंडिडेट, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को फीस रिफंड होगी, उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको कार्ड अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना अकाउंट नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कन्फर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है, उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस हम यहां पर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं RRB NTPC की भर्ती के लिए। यहाँ पर आपके पास 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट में या फिर किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल केयरफुली फिलअप करनी है, उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन की सेक्शन में आना है और यहाँ पर 12+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपने किस डिसिप्लिन में की है 12+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम एंटर करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है। फिर आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी प्रोफेशनसी है टाइपिंग में इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर पर, यानी कि क्या आपको कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती है। अगर आती है तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं आती है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500KB मैक्सिमम उसका साइज है। यहाँ पर आपको फाइल को सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद और अपना डॉक्यूमेंट आपका 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी 12th क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। और उसके बाद अगर आपने 12th के बाद आपके पास कोई ग्रेजुएट या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो वो भी यहां पर आप ऐड कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहां पर आपको अपनी बाकी की क्वालिफिकेशन भी ऐड कर देनी है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 30KB से 70KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसकी हाइट 320 पिक्सल और विड्थ 240 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर भी आपके 30KB से 70KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपके ये फोटो और सिग्नेचर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ये डॉक्यूमेंट सेव कर देने हैं और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सभी पोस्ट शो कर दी गई है जिन जिन पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है एप्लीकेबल है। अब आप जिस भी पोस्ट को प्रिफ्रेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप प्लस के बटन पर क्लिक करें और इधर दूसरे इस कॉलम में उसे ऐड कर दे। जिस भी पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो फर्स्ट प्रिफ्रेंस पर ऐड होगी और जिस पर आप सेकेंड टाइम क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसे सेकेंड प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। तो यहां पर आपको 1x1 करके जिसे भी जिस पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर आप पहले क्लिक करके उसे यहां पर ऐड कर दें। इन पोस्ट को ऐड करने के बाद अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर इन
चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको पैलेस का नाम एंटर करना है अपने, और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है, और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहां पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, यहाँ पर आपको इस चेकबुक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में और आप यहाँ पर उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म को एडिट करके अपनी डिटेल करेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, और अगर यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स ओके हैं तो बस अब यहाँ पर आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अब अपना फीस पेमेंट करना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओबीसी मेल कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे और इनमें से आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे और सभी के सभी पैसे आपके यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको पे विद राजौर पे या फिर पे विद पे यू इन में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहां पर आप नेट बैंकिंग HDFC बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यूजिंग कार्ड HDFC का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू यहां पर आप फीस पेमेंट कर सकते हो और या फिर आप यहां पर UPI या फिर QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहां पर या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सबसे आसान ऑप्शन यहां पर आपके लिए रहेगा आप UPI के थ्रू फीस पेमेंट कर दे। अपना UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, यहां पर आप अपना UPI ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप QR कोड स्कैन करके भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहां पर आपको शो QR कोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू एंड पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक QR कोड जनरेट कर दिया गया है, आपको इसे स्कैन करना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंटआउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की इन पोस्ट के लिए डेट एक्सटेंड होने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।